दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, वीडियो सबके सामने अब आ चुका है, अब इसमें कोई दो राय नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर खुद सरकार से जवाब किया है और उसे 24 घंटे का समय दिया है। और ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा ही शर्मनाक होगा कि जो कार्रवाई आपको करनी चाहिए थी, जिस मंत्री को आपको बर्खास्त अब तक कर देना चाहिए था, जिनके बेटे की गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी, अब मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक नहीं होगा कि वो सारे काम, वो सारे आदेश हम उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होंगे। ये हमने हाथरस में भी होते हुए देखा है कि ये सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी दिखी है और हमेशा अदालतों से ही राहत मिलने का काम पीड़ितों को हुआ है। लखीमपुर खीरी की लड़ाई आज की नहीं है, हम जान रहे हैं ये किसानों की, अन्नदाताओं की 10 महीने की लड़ाई इन कृषि कानूनों को लेकर है, जो कह रहे हैं हमारे लिए, किसान कहता है बार बार, हमारे लिए एक मौत का फरमान है। लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही है और उसी के रूप में हम देखते हैं, कभी 26 जनवरी के दिन षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम किया जाता है, कभी उन्हें षड्यंत्रकारी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार, और कभी पता नहीं क्या क्या उनपे आरोप लगते रहे। और अब यहां तक पहुंच चुके हैं कि आप उन्हें कुचलने की, उनकी हत्या करके उनकी आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई अनजान आदमी नहीं, केंद्र का गृह राज्य मंत्री और उसका बेटा सत्ता और ताकत के दम पर इसे चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। ये लड़ाई बिल्कुल जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की सरकार हमारे अन्नदाताओं की एक एक मांग को पूरी तरह से मान नहीं लेती है, तब तक कांग्रेस अपने तौर तरीकों से इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। मेनका गांधी जी भी हो, लखीमपुर खीरी में सरेआम कुचला गया किसानों को, अगर बात करते हैं तो उनकी बात को सुने जाना चाहिए था, उस मंत्री को अब तक बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, उनके बेटे की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई मंत्री और उसके बेटे पे नहीं, भाजपा के नेताओं पर ही कर दी गई, उन्होंने बाहर कर दिया गया। अब मैं सुझाव देना चाहती हूं वरुण गांधी जी, थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है? और आप जो लड़ाई अब ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किए, किसानों के साथ हुए अन्याय, उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, कुचला गया, अगर आप सच में उसको लेकर ईमानदार हैं तो निकल आइए भाजपा से बाहर और सड़कों में उस अन्नदाता के साथ, उसका किसान का झंडा लेकर उसकी आवाज को बुलंद करिए। अगर सच में आपकी ईमानदारी है, अगर फिर आपको लगता है नहीं, भाजपा आपको फिर सोच रही है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बना ही देगी, इस आस में अगर आप बैठे हैं, तो मुझे लगता है आपकी गलतफहमी है, आपको फैसला ले लेना चाहिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।